हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे लाइन बैलेंसिंग को। तो समझेंगे क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीन ऑफ लाइन बैलेंसिंग। सो लेट्स कवर मीनिंग ऑफ लाइन बैलेंसिंग। लाइन बैलेंसिंग ऑल्सो नोन एज असेंबली लाइन। लाइन बैलेंसिंग को असेंबली लाइन भी कहते हैं, इसको असेंबली लाइन बैलेंसिंग भी कहते हैं। लाइन बैलेंसिंग इज अरेंजिंग ऑफ प्रोडक्शन लाइन। प्रोडक्शन लाइन को अरेंज करना ही लाइन बैलेंसिंग या लाइन बैलेंसिंग असेंबली कहलाता है। ठीक है, सो देयर इज एन इवन फ्लो ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम वन वर्क स्टेशन टू नेक्स्ट, सो दैट देयर आर नो डिले एट एनी वर्क स्टेशन दैट लीव द नेक्स्ट वर्क स्टेशन विद द आइडल टाइम। ठीक है, अब मैं प्रोडक्शन की बात करता हूँ तो प्रोडक्शन में बहुत सारे वर्क स्टेशन होते हैं, यानी कि एक किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आउट फिनिश में गुड में कन्वर्ट करने के लिए वो प्रोडक्ट अलग अलग डिपार्टमेंट्स, जिसको हम वर्क स्टेशन बोल रहे हैं। प्रोडक्शंस में भी सब डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, जहाँ अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं रिलेटेड टू द प्रोडक्शन एक्टिविटीज, तो उनको वर्क स्टेशन बोला जाता है। तो एक प्रोडक्ट अलग अलग वर्क स्टेशन से होता हुआ फाइनली आउट फिनिश गुड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो वहाँ पे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं असेंबली लाइन, तो उनको असेंबल करना। ठीक है, यानी कि अरेंजिंग ऑफ ऑल द फंक्शन सब एक्टिविटीज सो दैट किसी भी वर्क स्टेशन पे डिले ना हो, काम के लिए वेटिंग ना हो और डिले ना हो। ठीक है, तो उसी को ही असेंबली लाइन बैलेंसिंग कहा जाता है। सो दैट देयर आर नो डिले एट एनी वर्क स्टेशन दैट विल लीव द नेक्स्ट वर्क स्टेशन एट द आइडल टाइम। और एक प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट का एक वर्क स्टेशन पे रहने का एक लिमिटेड टाइम फिक्स होता है कि भी इतने टाइम में उस वर्क स्टेशन में जितने भी सब फंक्शंस परफॉर्म करवाने हैं वो होने चाहिए, ताकि प्रोडक्ट नेक्स्ट वर्क स्टेशन पे टाइम पे पहुंच जाए। इसी तरीके से हर वर्क स्टेशन का एक आइडल टाइम होता है, और इन सभी प्रोसीजर को लाइन बैलेंसिंग या असेंबली लाइन प्रोसीजर कहा जाता है। ठीक है, लाइन बैलेंसिंग इज ऑल्सो डिफाइंड एज अपॉइंटमेंट ऑफ सिक्वेंशियल वर्क एक्टिविटी, या फिर अपॉइंटमेंट भी कह सकते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ सिक्वेंशियल वर्क एक्टिविटीज। वर्क एक्टिविटीज के सिक्वेंस को भी असेंबली लाइन या लाइन बैलेंसिंग कहा जाता है। इनटू वर्क स्टेशंस इन ऑर्डर टू गेन अ हाई यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर, ताकि लेबर को हम ऑप्टिमम और हाई यूटिलाइज कर सकें, इक्विपमेंट को प्रॉपर यूज कर सकें, एंड मिनिमाइजिंग द आइडल टाइम, और आइडल टाइम को मिनिमाइज कर सकें। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ओवरऑल कॉस्ट को भी रिड्यूस करती हैं। सो बैलेंसिंग मे बी अचीव बाई द रीअरेंजमेंट ऑफ द वर्क स्टेशन और एडिंग मशीन्स वर्कर्स एट द सम ऑफ द स्टेशन, so that all the operations take about the same amount of time. Okay, so line balancing techniques is used to achieve the minimizations of number of workstations, cycle time minimizations, maximizations of workload smoothness, maximizations of work relatedness. Iske kuch main objectives hote hain. So minimize the total amount of unassigned और आइडल टाइम एट द वर्क स्टेशन, टू एलिमिनेट बॉटलनेक्स, एंश्योरिंग अ स्मूथ फ्लो ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, और स्मूथ फ्लो ऑफ प्रोडक्शन कब होगा, जब सारी चीजें सिक्वेंशियल वे में परफॉर्म की जा रही होंगी। ठीक है, डिटरमाइन द ऑप्टिमल नंबर ऑफ वर्क स्टेशन एंड ऑपरेशन इन सच ईच स्टेशन, टू मेंटेन द मोरल ऑफ द वर्कर्स सिंस द वर्क कंटेंट टू डिफरेंट वर्कर्स विल नॉट बी ग्रेट डिफरेंस, to maximize the manpower utilization by minimizing the idle times of the operators, to minimize intermediate stock or work in progress, geo inventory or just in time concept follow karna hoga, to improve the quality of the productivity of the assembled products, to reduce waste of the production and delay. theek hai, to ye sare kya hote hain, main objective hote hain line balancing. इनको हम प्रोडक्शन के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी ट्रीट कर सकते हैं। प्रोडक्शन के जो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं उसमें भी हम ओवरऑल कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं। ठीक है,
रिड्यूस वेस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी होता है कि भाई जब भी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वहां पे वेस्टेज ना हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए, चाहे हम फिजिकल रिसोर्स की बात करें, मनी की बात करें और ह्यूमन रिसोर्स की बात करें, ठीक है। मैक्सिमाइज द मैन पावर यूटिलाइजेशन, जितने भी वर्कर्स वर्क स्टेशन पे काम कर रहे हैं उनके एफर्ट्स को आपको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, सो यू कैन इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, क्वालिटी इन द प्रोडक्ट्स ऑल्सो, इम्प्रूविंग द मैथड्स, प्रोसेसिंग मैथड्स ऑल्सो, ठीक है। अब लाइन बैलेंसिंग का प्रोसीजर क्या होता है, सो देर आर सम स्टेप्स रिक्वायर्ड एंड इन्वॉल्व इन द प्रोसीजर ऑफ द लाइन बैलेंसिंग। डिटरमाइनिंग, फर्स्ट वन इज डिटरमाइनिंग व्हाट टास्क मस्ट बी परफॉर्म, सबसे पहले ये डिटरमाइन करना है कि भी क्या टास्क है जो इम्पॉर्टेंट है जिसको परफॉर्म करना है, ठीक है, टू कम्प्लीट यूनिट फिनिश प्रोडक्ट। कौन कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं, कौन कौन से टास्क रिक्वायर्ड है, दैट मस्ट बी आइडेंटिफाइड। सो दिस वन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लाइन बैलेंसिंग प्रोसीजर। सिक्वेंस इन विच टास्क मस्ट बी परफॉर्म, ड्रॉ द प्री डायग्राम। सेकेंड वन इज एस्टिमेट द टास्क टाइम, और हर टास्क को करने के लिए कितना टाइम लगेगा, दैट मस्ट बी एस्टिमेटेड बाय द मैनेजर्स और द सुपरवाइजर्स, ठीक है। अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स वर्कर्स टू परफॉर्म ईच टास्क। थर्ड वन है डिटरमाइन द साइकिल टाइम, द अमाउंट ऑफ टाइम दैट वुड इलैप्स बिटवीन द प्रोडक्ट्स कमिंग ऑफ एंड ऑफ द असेंबली लाइन इफ द डिजायर्ड अर्ली प्रोडक्शंस वर बीइंग प्रोड्यूस्ड। असाइन ईच टास्क टू अ वर्कर एंड बैलेंस द असेंबली लाइन। This process result in determining the scope of each worker's job, which task that he or she will perform. ठीक है? So these are the steps involving in combining the task into the worker job. Of the productivity of the assembled products to reduce waste of the production and delay. ठीक है? तो ये सारे क्या होते हैं? Main objective होते हैं line balancing. इनको हम प्रोडक्शन के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी ट्रीट कर सकते हैं। प्रोडक्शन के जो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं उसमें भी हम ओवरऑल कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। रिड्यूस वेस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी होता है कि भाई जब भी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे वेस्टेज ना हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए, चाहे हम फिजिकल रिसोर्स की बात करें, मनी की बात करें और ह्यूमन रिसोर्स की बात करें, ठीक है। मैक्सिमाइज द मैन पावर यूटिलाइजेशन, जितने भी वर्कर्स वर्क स्टेशन पे काम कर रहे हैं उनके एफर्ट्स को आपको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, सो यू कैन इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, क्वालिटी इन द प्रोडक्ट्स ऑल्सो, इम्प्रूविंग द मैथड्स, प्रोसेसिंग मैथड्स ऑल्सो, ठीक है। अब लाइन बैलेंसिंग का प्रोसीजर क्या होता है, सो देर आर सम स्टेप्स रिक्वायर्ड एंड इन्वॉल्व इन द प्रोसीजर ऑफ द लाइन बैलेंसिंग। डिटरमाइनिंग, फर्स्ट वन इज डिटरमाइनिंग व्हाट टास्क मस्ट बी परफॉर्म, सबसे पहले ये डिटरमाइन करना है कि भी क्या टास्क है जो इम्पॉर्टेंट है जिसको परफॉर्म करना है, ठीक है, टू कम्प्लीट यूनिट फिनिश प्रोडक्ट। कौन कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं, कौन कौन से टास्क रिक्वायर्ड है, दैट मस्ट बी आइडेंटिफाइड। सो दिस वन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लाइन बैलेंसिंग प्रोसीजर। सिक्वेंस इन विच टास्क मस्ट बी परफॉर्म, ड्रॉ द प्री डायग्राम। सेकेंड वन इज एस्टिमेट द टास्क टाइम, और हर टास्क को करने के लिए कितना टाइम लगेगा, दैट मस्ट बी एस्टिमेटेड बाय द मैनेजर्स और द सुपरवाइजर्स, ठीक है। अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स वर्कर्स टू परफॉर्म ईच टास्क। थर्ड वन है डिटरमाइन द साइकिल टाइम, द अमाउंट ऑफ टाइम दैट वुड इलैप्स बिटवीन द प्रोडक्ट्स कमिंग ऑफ एंड ऑफ द असेंबली लाइन इफ द डिजायर्ड अर्ली प्रोडक्शंस वर बीइंग प्रोड्यूस्ड। असाइन ईच टास्क टू अ वर्कर एंड बैलेंस द असेंबली लाइन। This process result in determining the scope of each worker's job, which task that he or she will perform. ठीक है? So these are the steps involving in combining the task into the worker job. Task required है, that must be identified. So this one is the first step of the line balancing procedure. Sequence in which task must be performed. Draw the pre-diagram. सेकेंड वन इज एस्टिमेट द टास्क टाइम, और हर टास्क को करने के लिए कितना टाइम लगेगा, दैट मस्ट बी एस्टिमेटेड बाय द मैनेजर्स और द सुपरवाइजर्स, ठीक है। अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स वर्कर्स टू परफॉर्म ईच टास्क। थर्ड वन है डिटरमाइन द साइकिल टाइम, द अमाउंट ऑफ टाइम दैट वुड इलैप्स बिटवीन द प्रोडक्ट्स कमिंग ऑफ एंड
of the assembly line if the desired early productions were being produced. Assign each task to a worker and balance the assembly line. This process results in determining the scope of each worker's job, which task that he or she will perform. Okay? So these are the steps involving in combining the task into the worker job. So okay student, thank you very much. आज का सेशन हम यहीं पे फिनिश करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे, फिर से बात करेंगे एक नए टॉपिक पे. तब तक आप ये पढ़िए, समझिए, कोई डाउट हो तो दोबारा से डिस्कशन कर सकती हो. थैंक यू. आपको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है सो यू कैन इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, क्वालिटी इन द प्रोडक्ट्स ऑल्सो, इम्प्रूविंग द मैथड्स, प्रोसेसिंग मैथड्स ऑल्सो. ठीक है. अब लाइन बैलेंसिंग का प्रोसीजर क्या होता है? So there are some steps required and involved in the procedure of the line balancing. Determining, first one is determining what task must be performed. सबसे पहले ये determine करना है कि भी क्या task है जो important है जिसको perform करना है. ठीक है. To complete unit finished product. कौन कौन से task perform करने हैं, कौन कौन से task required है, that must be identified. So this one is the first step of the line balancing procedure. Sequence in which task must be performed. Draw the pre-diagram. Second one is estimate the task time और हर task को करने के लिए कितना time लगेगा, that must be estimated by the managers or the supervisors. ठीक है. Amount of time it takes workers to perform each task. Third one है determine the cycle time, the amount of time that would elapse between the products coming off and of the assembly line if the desired early productions were being produced. Assign each task to a worker and balance the assembly line. This process result in determining the scope of each worker's job, which task that he or she will perform. Okay? So these are the steps involving in combining the task into the worker job.